हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइज आज थोड़ा सा बूम बम करते हैं फिर से, क्योंकि आज ये N160 और ड्यूक 390 के साथ स्ट्रीट रेस करेंगे सिटी में। आज व्हीली प्रैक्टिस भी करते हैं थोड़ा सा। तो गाइज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत मस्त और ठीक ठाक होंगे, और मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग फिर से स्टार्ट करते हैं न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ। तो गाइज आज ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस स्ट्रीट रेस करते हैं थोड़ा सा सिटी में ही, या फिर हाईवे साइड भी जाएंगे। तो अपना R15 और N160 जो कि अभी एक वीक हुआ होगा लेने से उसको, और ड्यूक भी न्यू ही है, तो तीनों के साथ करेंगे। तीनों मतलब अपना R15 और पल्सर और ड्यूक आएगा या नहीं उसका पता नहीं, बट N160 तो आ गया है। वो बोला था 5 बजे ड्यूक आएगा, अभी 4:53 हो गया है, 7 मिनट के बाद एक बार कॉल करके पूछ लेंगे, उसके बाद चलेंगे। तो गाइज जैसा कि आप लोग पहले का वीडियो बहुत अच्छा है उसमें रिस्पांस दिए, मतलब इतना दिन के बाद वीडियो अपलोड किए फिर भी उतना व्यूज आ गया, बहुत बड़ा बात है। तो चलिए इस वीडियो में बहुत सपोर्ट कीजिएगा। और तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं गुरट्टा चौक, जो कि रेड लाइट लगा हुआ है। तो गाइज अभी थोड़ा सा इधर आ गए हैं, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा चैन टाइट करवा लेते हैं और हवा वे चेक करवा लेंगे बाइक का, क्योंकि ये रेस करना होगा तो थोड़ा सा अपना बाइक भी फिट करवा लेते हैं, नहीं तो फिर समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए पहले यहाँ पे बाइक अपना ठीक थोड़ा सा चैन वगैरह जो भी है टाइट करवा लेंगे, बाइक वॉश अभी नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और वॉश करने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि मेरे साइड जो रोड है बहुत खटिया है, मतलब थोड़ा सा भी बारिश पड़ता है तो पूरा कीचड़ आ जाता है, तो इसीलिए वॉश नहीं। गाइस चेक कर सकते हो बाइक कितना गंदा हो गया है, अभी 2 दिन पहले ही इसको वॉश किए थे, कल ही पूरा गंदा हो गया, आज तो गाड़ी चला। अभी चैन फटाफट से टाइट करा के चलते हैं, अभी फ़ोन भी आ गया था दोस्त का, पल्सर वाला वेट कर रहा है वहाँ पे काफ़ी देर से, हम यहाँ पे काम करवा रहे हैं, और ड्यूक वाला का भी पता नहीं है, 5 तो बच गया है। गाइस ये चेक करो, बारिश आ रहा है और अभी हम राइड पे जा रहे हैं, कल ही कैमरा ख़राब हुआ फिर से उसको ठीक करवाएं, और अभी फिर से ख़राब हो रहा है। वाह भाई विली, ये है R15। आज का ब्लॉग भी थोड़ा गीला गीला ही रहेगा पूरा, मतलब क्या ही बताएं यार, सावन स्टार्ट हो गया, अब वाटरप्रूफ केस लगा के चलना पड़ेगा कैमरा में। ये चेक करो गाइज अंधेरा अंधेरा चेक करो अंधेरा, अब बताओ हम कहाँ पे जाएं। वाओ क्रेजी रिएक्शन, ये चेक करो यही है N160 चल रहा है ना वो, ठीक नहीं पड़ रहा, थोड़ा सा भी नहीं पड़ ही नहीं रहा। ओ भाई 5-6 और बैठ जाता, बोले 5-6 और आ जाता। हम देखे इधर बारिश हुआ ही नहीं है, ये चेक कर सकते हो आप, और जहाँ पे हम लोग स्टेशन के साइड थे वहाँ पे पूरा बारिश हुआ,
तो क्या है बोलें यार, मतलब कुछ भी। ओ भाई वो दोनों तो पूरा पीछे रह जाता है यार, क्या बताएं। ड्यूक 390 लेके भी नहीं आ रहा है, पल्सर का तो समझ में आ रहा है, वो थोड़ा सा डाउन है तो वो नहीं आना चाहता। गाइस ये चेक करो, ड्यूक थोड़ा सा इसलिए नहीं कि यहाँ पे कुछ पंगा हुआ था, तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ स्पीड चला नहीं रहा है। तो गाइस ये रहा एयरपोर्ट अपना, जो कि आज नहीं कल जाएंगे, आपको नेक्स्ट इस वीडियो के दूसरे वाला वीडियो में मिल जाएगा एयरपोर्ट पे। ओ भाई देख रहे हो, जैसा कि आप लोग अभी तक अगर वीडियो में देख रहे हैं तो देखिए अब हम लोग हाईवे आ गए, मतलब बीच में बारिश नहीं, इधर फिर देखो बारिश पड़ गया, यहाँ पे बारिश पड़ा हुआ है। हाँ तिलका मांझी में ये चेक करो गाइस, टोल टैक्स आ गए हैं। ओ भाई तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, एक एन एस लोन चलो ना ग्लोकल के पास चलो ना, थोड़ा उससे मिल लेते हैं, ग्लोकल के पास चलो ना मिल लेते हैं उससे। क्या हो गया रन फाइव फिर ना। पल्लो लेके आना चाहिए तुमको, पल्लो पल्लो रानी, अभी तो एक जरा भी मैच नहीं कर रहा नहीं। करके सांप बना दे भाई, सांप बना दे। ओ